छत्तीसगढ़ के गंडई में एक महिला दहेज प्रताड़ना का शिकार हुई है। उसे दहेज लाने के लिए तंग किया जा रहा था, जिससे दुखी होकर महिला कुएं में कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने मृतका के पति मुकेश, ससुर गगनपत जंघेल और सास उर्वशी के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बताते चले कि ग्राम मोहगांव निवासी टिकेश्वरी जंघेल का विवाह 3 वर्ष पहले ग्राम बासगुड़ा निवासी मुकेश के साथ हुआ था। दोनों का एक बच्चा भी है। आरोपों की माने तो शादी के कुछ महीने बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी थी। वह आए दिन दहेज की मांग करते थे। बताया जा रहा है कि तंग आकर महिला अपनी कमर में पत्थर बांधकर कुएं में कूद गई, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने महिला की गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसका शव गांव के ही कुएं से मिला। वहीं तीनों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। गंडई से संवाददाता राशि जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। घटना जो है दहेज हत्या का है। ये असल में दिनांक 6 तारीख को मृतका टिकेश्वरी जंघेल के पिता केहर सिंह जंघेल मोहगांव निवासी, इन्होंने थाना चौकी में रिपोर्ट लिखवाया कि इनकी बेटी 5 नवंबर से संध्या से लापता है। इसकी गुमशुदगी क्रमांक 31/2020 यहाँ पंजीबद्ध कर इसकी जांच पतासाजी जारी थी। इसी दौरान कल 8 तारीख को सुबह यह भी सूचना आई कि ग्राम बागुड़ा में गणपत लोधी के बाड़ी में दुर्गंध आ रहा है। संभावना व्यक्त किया गया शायद उसी का शव कुएं के पानी के अंदर तो नहीं है। इसके आधार पर स्थानीय पुलिस टीम थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद कांटा डालकर हिलाया डुलाया गया कुआ के अंदर, तो साड़ी दिखा और उसके बाद रस्सा फंसा कर डेड बॉडी को ऊपर निकाला गया, तो वो टिकेश्वरी जंगल की डेड बॉडी थी। इस पर से मर्ग रजिस्टर्ड किया गया और आरोपी पकड़े गए। जांच पड़ताल किया गया तो इसमें उसके पिता ने भी शिकायत किया कि करीबन आज से 3-3.5 साल पहले उसका सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार शादी हुआ था। शादी में उसको जो अपनी सामर्थ्य के मुताबिक घरेलू सामान दहेज में दिया गया था, इसके बावजूद भी ससुराल वाले द्वारा 1 लाख रुपए नकद की लगातार मांग कर रहे थे। इसके कारण से उसकी बहू को नवविवाहिता को प्रताड़ित कर रहे थे मानसिक शारीरिक रूप से, जिसके वजह से उनका विवाद झगड़ा भी होता था। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसी की वजह से वो अपने पेट में पत्थर का बांध कर कुआ में कूद गई, जिससे मृत्यु हो गया। इसके कारण धारा 304B/34 उनके पति सास ससुर के खिलाफ में पंजीबद्ध कर इसकी विवेचना कर तीनों आरोपियों को आज गिरफ्तार कर। सर आरोपियों के नाम बताएंगे। इनके आरोपियों का नाम है, पहला ससुर गणपत लोधी, मृतिका का पति मुकेश लोधी और उसकी सास उर्वशी लोधी। मृतिका का उम्र क्या रही होगी? मृतिका की उम्र आज के डेट में 23 साल है, नवविवाहिता है। अपना नाम और पूरा नाम बता आप अपना नाम और पूरा पद बता दीजिए। मेरा नाम मैं जीसी पति एसडीपी खैरा। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.